हे गाइस, वेलकम बैक टू ममता फैशन स्टूडियो। तो गाइस, आजकल जो अफगानी प्लाजो, बैलून प्लाजो जिनको आप बोलते हैं, बहुत ही ट्रेंड में है। तो इनकी ही मोहरी की डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने ये अपना ट्राउज़र ले लिया है, इसमें हम नीचे प्लेट्स डालेंगे। तो मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है, मैं आपको इसको मेज़र करके बता देती हूँ कि ये कितना है इसका विड्थ। तो ये देखिए, 27.5 इंचेस का है ये। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, तो प्लेट्स डाल लूँगी मैं। आप इसमें गाइस, प्लेट्स डालने की बजाय आप इसमें चुनटे भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी आप प्लेट अपने हिसाब से देख लें, आपको छोटी प्लेट्स डालनी है या फिर बड़ी प्लेट्स डालनी है। मैं मीडियम साइज़ की बना लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से कर लेंगे पूरे में, हमें प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखिए, तो गाइस इसी तरीके से मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं अपनी पैंचे में। ये देखिए, प्लाजो पैंट की मोरी मैंने बना ली है। अब मैं एक इसको मेज़र कर लेती हूँ। तो ये 13.5 से 14 इंचेस तक है। ये देखिए, अब इसी के अकॉर्डिंग हम पट्टी कट करेंगे। गाइस, आप चाहें तो इस पट्टी के पीछे फ्यूज़ पेपर अटैच कर लें, बट मैंने इसको सिंगल ही रखा है। इसकी जो विड्थ है वो आपके ट्राउज़र के विड्थ के बराबर है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंचेस है। तो आप इसको रख लें। इसको रखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो सीधा साइड है वो प्लाजो के उल्टी साइड हो। और उसके बाद आप इसको सिलाई लगा लें नीचे की तरफ रख कर। ये देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लाजो है हमारा, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और 1/2 इंचेस तक फोल्ड करके जो हमारी प्लेट्स थी, जहाँ पे प्लेट्स की सिलाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हम इसको रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे नीचे। ओवरऑल हमारा जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था प्लेट्स वाला, वो कवर हो जाएगा इससे। ये देखिए, कवर करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसको भी स्टिच कर लिया है गाइस। अब ये हमारा जो नीचे की मोहरी है वो तो बन के रेडी हो गई है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये 2 इंच चौड़ी है। तो पहले मैं ये ट्राइंगल लेस का यूज़ करूँगी गाइस। आप इस लेस का यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप ट्राइंगल नीचे की तरफ रखें या ऊपर की तरफ रखें, वो आपकी चॉइस है। मैंने इसमें ट्राइंगल नीचे की साइड रखा हुआ है। अगर आप इसे ट्राइंगल ऊपर की तरफ रखना चाहते हो तो आप इसे पट्टी में भी हाइड कर सकते हैं हल्का सा, जिससे कि सिर्फ इसके ट्राइंगल्स नज़र आएंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें गोटे पट्टी का यूज़ करूँगी गाइस। इसकी जो कुर्ती और स्लीव का जो डिज़ाइन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर भी मैंने सेम ऐसे ही मिलता जुलता डिज़ाइन बनाया है, ताकि ये एक दूसरे से लिंक करें। ये देखिए, इसी तरीके से गोटे पट्टी को भी मैं अटैच कर दूँगी। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने ये एक लेयर गोटे की लगाई है, अब मैं एक और लगा लूँगी। आप चाहे तो नीचे सेंटर में सिर्फ गोटा रखें, नीचे भी ट्राइंगल लेस लगा लें, वो भी बहुत प्रिटी लगेगा। बट मैंने यहाँ पर भी गोटे का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इतना हैवी नहीं बनाना था, सिंपल सा बनाना था पोचा। ये देखिए, तो ये भी मेरा बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी फिटिंग लगा देंगे। तो गाइस, ये जो प्लाजो है, अफगानी प्लाजो बनाया है मैंने, इसकी अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो फुल ट्यूटोरियल चाहिए हो, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ट्रेंडिंग है, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, डबल सिलाई लगा लेंगे और मेरे जो ये प्लाजो, बैलून प्लाजो बन के रेडी हो गया। इसका वायरल लुक आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैं इनकी फ़ोटोज़ पोस्ट करती रहती हूँ। तो आपको वहाँ से भी आइडिया मिलेगा बहुत। तो इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।